नाउ स्टार्ट योर क्लास। फिफ्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ चैप्टर, जिसका नाम है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ। स्नो वाइट और सात बोने, ड्वार्फ का मीन्स होता है बोने, जिनकी कहानी इसमें बताई गई है। तो आज अपन वो रीड करेंगे। थॉट ऑफ द डे क्या है? द ब्यूटी ऑफ अ वूमन मस्ट बी सीन फ्रॉम इन हर आईज, बिकॉज देट इज द डोर वे टू हर हार्ट, द प्लेस वेयर लव रिसाइड्स। किसी औरत की सुंदरता को उसकी आंखों में देखना चाहिए, क्योंकि आंखें दिल का प्रवेश द्वार है जहाँ प्यार रहता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्नो वाइट की स्टोरी क्या है। स्नो वाइट वॉज द डॉटर ऑफ किंग। स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। हर स्किन वॉज अ वाइट ए स्नो, और उसकी स्किन इतनी वाइट थी जैसा कि स्नो होता है। हर चिक्स वेयर अ रेड एज अ रोज, और उसके चिक्स यानी गाल जो थे वो रोज की तरह लाल थे। एंड हर हेयर वॉज अ ब्लैक एज इबोनी, सो शी वॉज कॉल्ड स्नो वाइट बाय हर पेरेंट्स। मतलब उसकी सुंदरता को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने उसका नाम क्या रखा, स्नो वाइट। वेन शी वॉज अ फ्यू मंथ ओल्ड, वो एक कुछ महीने की ही हुई थी। हर मदर डेड, उसकी माँ खत्म हो गई। द किंग मैरिड अगेन, और राजा ने दूसरी शादी कर ली। द न्यू क्वीन वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वूमन, जो दूसरी रानी आई थी वो भी बहुत सुंदर थी। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, और उसको अपनी ब्यूटी ने इस पर प्राउड था, यानी वो घमंड सा महसूस करती थी। शी हैड अ मैजिक मिरर इन हर रूम, और उसके रूम में एक मैजिक मिरर भी लगा हुआ था। एवरी डे शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर मिरर, वो रोजाना अपने मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी। एंड आस्क्ड इट, और कहती थी हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वूमन इन द वर्ल्ड, उस मिरर से पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। द मिरर ऑलवेज रिप्लाइड दैट, तो वो मिरर हमेशा क्या जवाब देता था, शी वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल दिस प्लेस्ड हर वेरी मच। वो मिरर हमेशा जवाब देता था संसार में सबसे सुंदर महिला, वो पूछती थी कि संसार में सबसे सुंदर महिला कौन है, तो शीशा हमेशा क्या उत्तर देता था कि वे सबसे सुंदर थी। ये उसे बहुत खुशी देता, लेकिन कुछ वर्षों में स्नो वाइट एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में बड़ी हुई। इसलिए उसकी सौतेली माँ, यानी कि जो दूसरी शादी की थी उसके स्नो वाइट के डैड ने, यानी कि जो किंग ने दूसरी जो शादी की थी वो मतलब उसकी सौतेली माँ उससे ईर्ष्या करती थी। एक दिन उसने अपने जादुई शीशे से पूछा, मैजिक मिरर जो था उससे पूछा कि दीवार पर लगे छोटे शीशे, हम सब में सबसे सुंदर कौन है, तो शीशे ने क्या उत्तर दिया कि कृपालु रानी आप अति सुंदर तथा उत्तम हैं, लेकिन स्नो वाइट आप सबसे सुंदर है। यानी कि वो जो मैजिक मिरर था वो तारीफ तो करता था रानी की, लेकिन उसके बाद वो एक लाइन और बोल देता था कि स्नो वाइट आप सबसे सुंदर है। तो ये बात उसको, जो रानी थी क्वीन थी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। रानी ने जब ये सुना तो वो उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने नौकरों में से एक नौकर को स्नो वाइट को जंगल में ले जाने तथा उसे मारने का आदेश दिया। लेकिन दयालु हृदय वाले नौकर ने, यानी कि वो जो नौकर थे, उन्होंने उसे नहीं मारा। उसने उसे जंगल में छोड़ दिया, जहाँ वह सारा दिन इधर उधर भाग कर रोती रही। किसको? स्नो वाइट को छोड़ दिया था। शाम को उसे पहाड़ी पर एक छोटा घर मिला। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। वहाँ उसने एक मेज देखी जो साफ सफ़ेद चादर से ढकी थी। वहाँ उस पर सात छोटी प्लेटें, सात छोटे ग्लास तथा सात छोटी चम्मचें थीं। वहाँ प्लेटों पर सैंडविच तथा ग्लासों में साफ ताज़ा पानी था। दूसरे कमरे में वह सात छोटे साफ पलंग सफ़ेद चादरों से ढके थे।
स्नो वाइट जो बहुत थकी हुई तथा भूखी थी तो उन्हें प्रत्येक प्लेट से थोड़ा खाया और जो गिलास रखे हुए थे उसमें से हर गिलास में से थोड़ा थोड़ा पानी पिया। उसके बाद वे आराम करना चाहती थी, इसलिए उसने 7 छोटे पलंगों में से प्रत्येक पर कोशिश की। अंत में वे उनमें से एक पर लेट गई और जल्दी से सो गई क्योंकि वो थकी हुई थी। छोटा घर 7 कोनों का था जो पहाड़ों में चांदी खोदा करते थे। जब वे शाम को वापस लौटे उन्होंने पाया कि उनके पलंगों में से एक पर स्नो वाइट लेट रही है। वे उनके पलंग की छाव और खड़े हुए तथा उसे देखा। उन्होंने कहा कि वे एक प्यारी लड़की है। स्नो वाइट जाग गई तथा डर गई, लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने कहा स्नो वाइट। फिर उसने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बोनों ने जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी सॉरी बोनों ने नहीं स्नो वाइट ने बताया उनको अपनी कहानी। जब उन्होंने अपने इसकी कहानी सुनी स्नो वाइट की तो उन्होंने उस पर दया आई उनको, इसलिए उनमें से एक ने कहा यदि तुम हमारे घर की देखभाल करोगी तो हम तुम्हें आश्रय देंगे मीन्स उनको यहाँ पर रखेंगे। दूसरे ने कहा यदि तुम हमारा रात्रि भोजन पकाओगी तो हम तुम्हें खाना देंगे। और अब दूसरे ने कहा यदि तुम हमारे कपड़े धोओगी तो दस लोगे तो हम तुम्हें कपड़े भी देंगे। स्नो वाइट खुशी खुशी ये सब करने को तैयार हो गई। जब वे बाहर गए हुए होते तो वे उनका घर साफ करती, उनके कपड़े धोती, मतलब जो जो बातें उन्होंने कही थी उन बातों को पूरा करती थी। स्नो वाइट की सौतेली माँ जो थी बहुत खुश थी क्योंकि उसने सोचा कि स्नो वाइट अब मर चुकी है। एक दिन उसने अपने शीशे से पूछा, दीवार पर लगे छोटे शीशे, हम सब में सबसे सुंदर कौन है? तो शीशे ने कहा, क्या उत्तर दिया कि कृपालु रानी आप अति सुंदर तथा उत्तम है, स्नो वाइट आप सब में सुंदर है। यानी जो शीशा था वो रानी की तारीफ तो करता ही था लेकिन स्नो वाइट की तारीफ भी साथ में कर देता था जो कि रानी को अच्छी नहीं लगती थी। फिर उसने पूछा वे कहाँ है, शीशे ने उसे बताया कि वे 7 बोनों के घर में है। जैसे ही उसने ये सुना उसने स्वयं को एक बूढ़ी स्त्री में बदल लिया, यानी बूढ़ी औरत का एक भूलिया जैसा बना लिया अपना। उसने अपने साथ एक घेरेली कंघी ली तथा 7 बोनों के घर गई। उसने स्नो वाइट को खिड़की पर बैठे हुए देखा। मेरी प्यारी बाहर आओ, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं लाई हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें पसंद करोगी। पहले तो स्नो वाइट ने नीचे आने से मना कर दिया लेकिन जब बूढ़ी स्त्री ने कंघी दिखाई तो उसने दरवाज़ा खोला, यानी कि स्नो वाइट ने कंघी को देखकर लालच में दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आई। क्रूर स्त्री बूढ़ी स्त्री ने कहा मुझे अपने सुंदर बाल संवारने दो तथा उसने घेरीली कंघी उसके बालों में चुबा दी। स्नो वाइट मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई और क्रूर रानी वापस घर भाग गई। क्रूर रानी क्यों वापस भाग गई थी, क्योंकि जैसे ही वो जमीन पर गिरी तो उनको लगा कि अब ये मर चुकी है तो उसको छोड़कर डर के मारे वो भाग गई। जब 7 बोने अपने घर काम पर से वापस आए उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर के सामने पड़े हुए पाया तो उन्होंने उसके बालों से जहरीली कंघी बाहर निकाली तथा वे दोबारा ठीक हो गई और उठ गई। उन्होंने बूढ़ी स्त्री के आने के बारे में सब कुछ सुना तथा जब वे गए हुए हो तो स्नो वाइट को घर से बाहर न जाने के बारे में कहा। मतलब जो बोने थे उन्होंने ये समझाया कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। रानी जल्दी ही जादू शीशे से जान गई कि स्नो वाइट जिंदा है। वे बहुत क्रोधित थी तथा कहा वे अब की बार अवश्य मरेगी। तो उसने एक सेब लिया जो आधा लाल तथा आधा सफ़ेद था तथा उसने आधे लाल में एक जहरीली पिन चुबाई। उसने अन्य सेबों से थैला भरा तथा जहरीला सेब जो उसने पिन चुबाई थी जिस जगह पर, तो वो जो सेब था जहरीला वाला उसने थैला तो भरा था सेब से पूरा लेकिन जो जहरीला सेब था वो सबसे ऊपर उसने रख लिया था। किसकी वजह से, स्नो वाइट को खिलाने की वजह से सेब उन सबसे ऊपर रखा। फिर उसने अपने आप को एक किसान की पत्नी के रूप में बदला था, जंगल के लिए निकल पड़ी। जब वे बोनों के घर आई उसने दरवाजे पर खटखटाया। स्नो वाइट ने बाहर जाकर और कहा कि पैर चली जाइए, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। 7 बोनों ने मुझे दरवाजा खोलने से मना किया है क्योंकि उन्होंने समझा दिया था उसको कि बाहर नहीं आना है। रानी ने उसे लाल तथा सफ़ेद सेब दिखाया तथा कहा तुम इसे
मत खोलो, यदि बोलो ना तुम्हें नहीं ऐसा नहीं करने का आदेश दिया, लेकिन मैं उसके लिए कुछ उनके लिए कुछ स्वादिष्ट सेब लाई हूँ। जब स्नो वाइट ने यह सुना, उसने तुरंत दरवाजा खोला। बूढ़ी स्त्री ने सेब को दो भागों में काटा तथा उसे आधा भाग दिया तथा दूसरा आधा भाग स्वयं ने खाना शुरू किया। स्वयं ने क्यों खाना शुरू किया कि जब तक वो खुद नहीं खाती तो स्नो वाइट भी नहीं खाती। तो जो जहरीला वाला पोर्शन था वो उसने स्नो वाइट को दे दिया और जो जहरीला वाला पोर्शन नहीं था वो उसने खुद ने खाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्नो वाइट ने जहरीले सेब का टुकड़ा काटा वे मर गई। क्रूर रानी बहुत तेजी से हंसी और वहाँ से भाग गई। जैसे ही वे घर पहुंची दीवार पर लगे छोटे शीशे, हम सब में सबसे सुंदर कौन है, उसने फिर से पूछा और शीशे ने उत्तर दिया, कृपालु रानी आप अति सुंदर थे। तो उत्तर में आप सब में सुंदर है। रानी अब बहुत खुश थी, वे जानती थी कि स्नो वाइट मर गई है, मतलब उसकी सिर्फ सुंदरता पर ही वो जलती थी और उसकी सुंदरता को ही खत्म करने के लिए, क्योंकि सुंदरता ऐसे तो खत्म होती नहीं, इसलिए उसने सोचा स्नो वाइट को ही मार दिया जाए। रानी सात छोटे बोने शाम को घर लौटे तथा पाया कि स्नो वाइट जमीन पर मरी पड़ी है। उन्होंने उसे जीवित करने के लिए सब कुछ किया लेकिन सफल ना हो सके। अंत में उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाया तथा उसमें उसको रख दिया। ताबूत मीन्स बॉक्स। उन्होंने उसे नहीं दफनाया लेकिन ताबूत की रक्षा की। स्नो वाइट एक फूल की तरह ताजी और सुंदर दिखती थी। जंगल के पशु तथा पक्षी उसके लिए रोए क्योंकि उसका जो भोलापन था वो सभी को पसंद था। कुछ दिनों बाद उस रास्ते पर एक राजकुमार आया। उसने स्नो वाइट को देखा तथा उसे बहुत अधिक पसंद किया। उसने शीशे के ताबूत को अपने घर ले जाने के लिए बोनों से पूछा। उन्हें बहुत सारा धन देने को कहा तो बोनों ने कुछ भी लेने से मना कर दिया लेकिन राजकुमार को ताबूत ले जाने दिया। रास्ते पर घोड़ा तो जो ताबूत ले जा रहा था ठोकर खाकर गिर गया तो सेब का टुकड़ा जो स्नो वाइट के मुंह में था बाहर आ गया तथा उसने अपनी आंखें खोली हुए उठ गई। राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सुंदर राजकुमारी यदि तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। स्नो वाइट ने उसे बहुत पसंद किया इसलिए वे उसकी दुल्हन बनने को सहमत हो गई, यानी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। राजकुमार उसे अपने पिता के महल में ले गया तथा अगले दिन उससे शादी कर ली। क्रूर रानी ने एक बार दोबारा अपने जादुई शीशे से पूछा, यानी कि वो राजकुमारी जो थी जो रानी जो थी उसको यकीन नहीं होता था अपनी सुंदरता पर, तो बार बार शीशे से भी यही बात पूछती थी कि हम सब में सबसे सुंदर कौन है। तो दीवार पर लगे छोटे शीशे ने कहा, हम सब में सबसे सुंदर, मतलब रानी ने पूछा कि हम सब में सबसे सुंदर कौन है। तो शीशे ने कहा, कृपालु रानी आप अति सुंदर तथा उत्तम है लेकिन स्नो वाइट आप सब में सुंदर है। जैसे ही उसने सुना कि स्नो वाइट सुंदर है तो वैसे ही उसको फिर गुस्सा आने लग गया। तो उसने गुस्से में शीशे को नीचे फेंक दिया और उसको तोड़ दिया। वे उस रात वे अपनी जो जेलिसी थी उससे इतनी ज़्यादा नाखुश हो गई थी, इतने ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था उसको कि उसने खुद ने ही जेल खा लिया और अपने आप को ही मार लिया। तो ये थी स्नो वाइट की स्टोरी और सात बोने जो कि स्नो वाइट के साथ थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो जो एक्सरसाइज है वो PDF के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी, बट उनके जो टिक मार्क है वो बुक में ही किए हुए हैं और जो क्वेश्चन आंसर है वो सेल्फ राइट किए हुए मैंने, वो आप तक PDF के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।